साथियों, हमारे अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक सुभाष मिश्रा जी ने आपको संबोधित किया, सभी मांगों का उन्होंने उल्लेख किया, लेकिन आप मुझको एक लाइन की बात बताओ, पढ़े लिखे लोग हो, जो सरकार 3% महंगाई भत्ता नहीं दे रही है, आप उससे उम्मीद करते हैं क्या कि सातवां वेतनमान का एरियाज 4% चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान ये मिलेगा? साथियों, आपकी ताकत पर मैं आज इस मंच से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को 3 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ। 3 दिन, 3 दिन के अंदर, क्यों? आज 27 तारीख है, 2 तारीख को लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी, आचार संहिता लागू हो जाएगा, हम केंद्र सरकार के कर्मचारियों से 3 किस्त महंगाई भत्ता पीछे हैं। 3 किस्त, हमको 5% मिल रहा है, उनको 12% मिल रहा है, हम 7% पीछे हैं। सरकार ने चुनाव के पहले ये वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको महंगाई भत्ता देंगे, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। आप लोग बताइए आज का प्रदर्शन क्यों है? कारण बताऊं? आज का प्रदर्शन केवल एक ही कारण है कि मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक मंचों से ये घोषणा की है कि इस साल किसानों को, अगले साल कर्मचारियों को, तो उसके बाद व्यापारियों को, फिर उद्योगपतियों को, हम 5 साल इंतजार करेंगे क्या? विधानसभा चुनाव में हमने औकात बता दिया, लोकसभा चुनाव में भी औकात बता देंगे, कर्मचारियों से धोखेबाजी नहीं चलेगी। साथियों, सरकार चाहे वो मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार हो, ये बात भूल जाए, नरवा गरवा घुरवा बारी, कर्मचारी और किसान ने ही इनको जिताया है। यदि कर्मचारियों का और शहरी मतदाताओं की उपेक्षा होगी तो हम 2 तारीख को आचार संहिता लगेगा, उसके बाद चुनाव कार्य का भी बहिष्कार करेंगे, हम विरोध करेंगे, क्योंकि अभी नहीं मिलेगा। मैं देख रहा हूँ साथी लोग कुछ ज्यादा जोश में नहीं है, अभी नहीं मिलेगा, 4 दिन बाद। मैं बोल रहा हूँ कि 4 महीना आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसमें कितने लोग रिटायर हो गए, कितने लोगों का निधन हो जाएगा, हम इसको नहीं जानते साथियों। हम मेरे नक्सली क्षेत्र में जो कर्मचारियों का निधन हुआ, ये सुब्रत साहू साहब ने आदेश जारी किया था, आज तक उनको कंपनसेशन नहीं मिला। हम बेईमानी के खिलाफ नारा लगा रहे हैं, हम वादा खिलाफी के खिलाफ नारा लगा रहे हैं। मैं आपसे अपील करता हूँ कि हम सबका एक ही भाव है कि आचार संहिता लगने के पहले 3 दिन के अंदर कम से कम 3 किस्त महंगाई भत्ता देना पड़ेगा, अन्यथा चड्डी पहन के फूल खिला है। कर्मचारी, अपनी ताकत जान लो, जिस दिन काउंटिंग शुरू हुआ बैलेट पेपर से ही पता लग गया था कि हम हार रहे करके, और आज वो लोग अपने घर में बैठ गए। मैं आज सबसे अपील कर रहा हूँ कि हम अभी 10% लोग आए हैं, 7% लोग आई है, जागरूक होइए, और ये पूरे प्रदेश में आज हमारा हड़ताल और प्रदर्शन सफल है। मेरा विश्वास है कि आपकी ताकत के कारण कल या परसों महंगाई भत्ता तो वो देंगे, उनका बाप देगा, और नहीं देगा तो और प्रदर्शन करेंगे, और नारेबाजी करेंगे, और हड़ताल करेंगे, और लोकसभा में फिर कर्मचारियों की ताकत बताएंगे कि हम क्या है, हमारी ताकत आप देख लो साथियों। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ठो पुराना नारा लगा दो, बहुत खुशी लगता है, रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। कर्मचारी विरोधी सरकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कर्मचारी विरोधी शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हो गया ना अपना डायग्राम, भैया।